हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आए डोंगरी के। आप ये वीडियो पूरी देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। यार इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक और शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब तो बनता ही है बॉस। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं डोंगरी केव। देखिए हम पहुंच चुके हैं। दीदी उधर भैया एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं डोंगरी केव की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ के बारे में, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके कैसा है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए है यहाँ पे। मंदिर है आप देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो है ये जो गुफा है ये अपने आप बना हुआ है, ये ना कि किसी इंसान ने बनाया है ना कुछ, ये सिर्फ पहले से ही बना हुआ है। और यहाँ के लोगों ने इस गुफा की खोज की और यहाँ पे जो प्राचीन चीजें हैं उनको उजागर किया और लोगों को बताया कि यहाँ पे ये चीजें हैं। तो लोगों ने यहाँ पे आके उस चीज के बारे में देखा, उस चीज को समझा और उनको पता चला कि हाँ सही में ये जो है प्राचीन मंदिर है। तो इसके और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि पत्थर पे जो है अपने आप जो है जो चित्र बनते हुए आ रहे हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले ऊपर से एक पूरा व्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है पहले यहाँ पे जो जाली था, ये पहले यहाँ पे जाली नहीं था, तो लोगों ने यहाँ पे अब जो है ये पूरा उजागर होते जा रहा है, लोगों को पता चलते जा रहा है कि ये सच में यहाँ प्राचीन मंदिर है। तो इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो है अभी जाली वगैरह लगा दिया गया है, जो पहले जो था यहाँ पे जाली वगैरह नहीं था। मैं एक और बार आ चुका हूँ तो यहाँ पे पहले वैसा कुछ जाली वगैरह नहीं था, तो अभी जो है यहाँ पे जाली लगा दिए हैं इन लोगों ने, ताकि वो जो है प्रोटेक्ट हो सके, कोई भी अंदर ना जा सके। तो उसके लिए अभी हमको यहाँ से एक वहां से उतर के हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, तो देख सकते हैं यहाँ से एक रास्ता बना दिया है यहाँ के लोगों ने, तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमको। तो चलते हैं। दोस्तों ये था हमारा डोंगरी केव। नीचे मैंने आपको एक केव दिखाया और ये जो है ऊपर, वहां से ऊपर चढ़ के आ सकते हैं आप लोग और ऊपर का जो ये व्यू है वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे आप फोटोशूट के लिए या फिर घूमने के लिए, छुट्टी जैसे संडे वगैरह की छुट्टी होती है उस टाइम घूमने आ सकते हैं और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। तो और मेन बात यहाँ की जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं केव दिखा रहा था
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है ये जो पहाड़ जो है ना, ये एक पहाड़ सा है। तो ये जो पहाड़ सा है, इसमें जो उधर एक थोड़े से और एक दो पहाड़ है, उसमें क्या हो रहा है, उस पहाड़ में जो है थोड़े से एकदम जो चित्र बने हुए आ रहे हैं, तो उसमें क्या है पूरे हिस्टोरिकल, जैसे घोड़ा हो गया, रथ हो गया, उन सब चीजों का जो है वो फोटो अपने आप उभर रहा है बाहर, कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह वो बाहर उभर रहे हैं। मतलब हर साल जैसे बारिश होती है तो पत्थर पे पानी गिरता है, तो अपने आप बाहर निकल रहा है। पिछली बार जब मैं आया था तो एक गाइड भैया थे, तो उन्होंने मुझे बताया था ये सब चीजें। और यहाँ पे जो पिछली बार जब मैं आया था तो गाइड भैया ने मुझे बताया था यहाँ पे ऐसा ऐसा है करके। हमको तो मालूम नहीं था, हमने यहाँ ऊपर ऊपर घूमा, फिर उन्होंने हमको बताया कि वहाँ नीचे में भी कुछ है करके, जो कि एंशियंट है। वहाँ पे जो पत्थर में जो है ऐसे करके निकलते हुए आ रहे हैं, चित्र जो है निकल रहे हैं, तो तब जाके हमको पता चला। तो अभी मैं उनसे मिलवा देता आप लोगों को, लेकिन वो भैया जो है अभी थोड़े अपने काम से बाहर गए हुए हैं। तो चलिए मैं, मेरे को जितना पता है मैं आपको वो चीज़ सारी बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मैंने जो बोला था कि यहाँ पे जो है एक एंशियंट ऐसा एक पहाड़ है, जहाँ पे जो है पहले से ही जो इमेज, जो फोटो जो है पहले से ही निकल के उभर के आ रहे हैं वहाँ के जो इमेजेस हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा हो सके तो आप देखिएगा, थोड़ा सा ब्लर जैसा दिखेगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। तो दोस्तों ये है वो पत्थर, जो पहाड़ बोलते हैं इसको हम, तो ये इतनी विशाल पहाड़ है। तो इस पे जो है आप देख सकते हैं पहले से ही ये जो उभरा हुआ दिख रहा है आपको, थोड़े बहुत कलर्स दिख रहे हैं इसमें। तो इसमें मैं आपको और भी दिखाता हूँ क्लोज ले जाके, आप देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये कुछ बना हुआ है। ये जो है ये पूरा एकदम यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मिटाने की कोशिश की बहुत। ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के पीछे का रहस्य जानने के लिए और भी चीजें, ये सही में है कि नहीं है ये सब चीजें या फिर अफवाह है, वो सब चीजों को उजागर करने के लिए यहाँ पे एक IBC 24 जो हमारे न्यूज चैनल है छत्तीसगढ़ की, वो आई हुई थी यहाँ पे, और एक दो रिसर्च टीम भी आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन छत्तीसगढ़ में होते हुए भी, बालोद जिला में होते हुए भी, इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए इस जगह के बारे में, कि आप लोगों को पता चले कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम है। तो मैं आप लोगों को वो सब चीजें बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे जो पिक्चर्स निकल रहे हैं बाहर, देखिए। दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक और चीजें देखने को मिली जो मेरे को पहले जब मैं आया था तब मेरे को नहीं देखने मिली थी। यहाँ पे एक और चीज कुछ लिखा सा कुछ आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आंटियां और मम्मियां और दीदियां जो हैं आ रही हैं देख के। तो चलिए चाबी पकड़ा पाऊंगा, पानी बोतल दे रहे थे दोनों में पकड़ा था। ठीक है, फिर हम तीसरे जगह आ चुके हैं जो कि यहाँ पे तीसरा चीज है जो देखने लायक है। तो आप देख सकते हैं एक पहाड़ है, विशाल पहाड़ है, देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पेड़ों ने जो है पहाड़ को जकड़ के रखा है। बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य है यहाँ से, यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा फोटो पॉइंट है।
फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है पहले जाली नहीं लगा हुआ था, मैं पिछले बार आया था आप लोगों को बताया हूँ मैं, तो जिन लोगों ने यहाँ पे आया है उन लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे पहले ये जाली नहीं लगा हुआ था, जो कि जिसके वजह से मैं आपको जो है अंदर जाके नहीं दिखा सकता। तो बाहर से व्यू देखिए, तो दोस्तों देख सकते हैं कितना पसीना आ चुका है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हुए। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको मिला है, आपको दिखाता हूँ मैं, आइए अंदर जाने का एक छोटा सा खुफिया रास्ता है। तो ये रहा एक खुफिया रास्ता, देख सकते हैं, हालांकि आप मत जाइएगा लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, मेरे इस वीडियो से आप सभी को पता चल जाए इसलिए मैं ये अंदर जाके रिस्क उठा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं तो ये था यहाँ का सीन दोस्तों। तो और अब हम, आप लोगों ने सीन पे देखा होगा कि यहाँ पे कुछ चारों तरफ पानी ही पानी है, तो चलिए अब हम चलते हैं पानी की तरफ और वहां पे करते हैं ढेर सारी मस्तियां। चलो क्या हाल है बाबू, कैसे किसके साथ बिजी है? फोन के साथ। अरे 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 तो ये हम आ चुके हैं, अब जो ऊपर से दिख रहा था हमको वो जो है वहाँ पे है डोंगरी केव हमारा, वो जो पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को वो है हमारा डोंगरी केव। वहाँ से जो ये पूरा पानी का नजारा दिख रहा था वो जो है ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा जो है वही है पानी का नजारा। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं अब घर की तरफ। चलो तो हेलो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग 2 जो कि था डोंगरी केव के ऊपर। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसा लगा। अगर आपको जानना है कि ये किस लोकेशन पे है आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक, जो कि मैप में आपको मिल जाएगा, जो कि है लगभग अराउंड दल्ली राजरा से अगर आप जाते हैं तो वो अराउंड पड़ेगा आपको 18 से 19 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है, जो कि राजनांदगांव रोड आपको पड़ेगा, दिल्ली से नांदगांव रोड जो है वहां पड़ेगा आपको। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।